हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से केवल सोलर पैनल और दोस्तों केवल इन्वर्टर का उपयोग करके एसी करंट दोस्तों उत्पन्न कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में दोस्तों लाइफ टाइम जो है टीवी रिसीवर वगैरह और साथ साथ दोस्तों मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, बल्ब भी जला सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस सोलर पैनल पर जो है डिक्स वायर दोस्तों लगाया हुआ है और ये दोस्तों डिक्स वायर को आपस में मैंने कनेक्टर लगा के जोड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों यह डिक्स वायर जो है तो मेरे कमरे तक दोस्तों यह जाता है और इसी डिक्स वायर को मैं डायरेक्ट दोस्तों इन्वर्टर पर कनेक्ट करता हूं और जिससे दोस्तों मुझे डायरेक्ट जो है सीधे सोलर पैनल से डीसी करंट को दोस्तों मैं इन्वर्टर लगाकर और बिना बैटरी लगाए हुए डीसी करंट को एसी पर कन्वर्ट करता हूं। तो चलिए दोस्तों मैं अब दिखा देता हूं आपको टोटल प्रोसेस क्या है इसका। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो डिक्स वायर है तो डिक्स वायर दो है। तो दोस्तों यह डिक्स वायर जो है मैं एक सी बैंड के लिए उपयोग करता हूं और देख सकते हैं दोस्तों ये जो वाइट वायर है दोस्तों इसमें मैं सी बैंड का चलन देखता हूं और साथ साथ कभी कभी दोस्तों यदि लाइट गोल होता है तो मैं डायरेक्ट जो है इस वायर को लगा देता हूं दोस्तों इन्वर्टर पर और सीधे दोस्तों मैं अपना टेलीविजन वगैरह जो है तो बिना बैटरी के भी चालू कर पाता हूं। तो अब दोस्तों मैं आपको अपने कमरे पर ले चलता हूं और आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूं कि आप भी दोस्तों किस प्रकार से वगैरह दोस्तों चला पाएंगे बिना बैटरी के, केवल दोस्तों डायरेक्ट सोलर पैनल से और केवल इन्वर्टर से। तो आपको बता दूं दोस्तों कि जो सोलर पैनल मैंने लगाया हुआ है वह दोस्तों 100 वाट का है, 12 वोल्ट 100 वाट का। और दोस्तों आप देख सकते हैं कनेक्टर मैंने इधर भी लगाया हुआ है और डिक्स वायर का एक छोटा सा कनेक्टर दोस्तों मैंने और जोड़ा हुआ है। और जब दोस्तों लाइट वगैरह मेरे यहाँ गोल होता है तो मैं इसे दोस्तों बड़ी आसानी से कनेक्ट कर देता हूँ, निकाल भी देता हूँ, फिर दोस्तों मैं अपना सीबैंड का चैलेंज भी जो है तो इसी वायर से देखता हूँ अपने रिसीवर पर कनेक्ट करके। तो अब दोस्तों मैं आपको सिंपल सा इसे जोड़ के इस कनेक्टर को इस इन्वर्टर से जोड़ूंगा और आपको दोस्तों मैं दिखाऊंगा कि बिना बैटरी के भी सीधे इन्वर्टर। और दोस्तों यह जो इन्वर्टर मेरा है एसी वाला है, मतलब दोस्तों यह किसी प्रकार का सोलर वाला इन्वर्टर नहीं है, मार्केट में मिलने वाला सिंपल सा इन्वर्टर है। और दोस्तों यह मेरा 250 वाट का इन्वर्टर है और जो सोलर पैनल दोस्तों सोलर पैनल मेरा 100 वाट का है, 12 वोल्ट 100 वाट का। और अब दोस्तों मैं आपको इसे जो है तो जो कनेक्टर दोस्तों मैंने बनाया हुआ है और इसे दोस्तों मैं डायरेक्ट कनेक्ट करूंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा इन्वर्टर जो है ऑन हो चुका है और इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको डायरेक्ट जो है तो चालू करके जो रिसीवर वगैरह है टीवी वगैरह है तो दिखाता हूं। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप इस प्रकार से जो है देख सकते हैं दोस्तों हमारा इन्वर्टर चालू हो चुका है, पावर आ चुका है। और दोस्तों आप इस प्रकार से केवल डायरेक्ट बिना बैटरी के, और दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह जो वायर है तो सीधे दोस्तों मेरे खिड़की से आया हुआ है, मैंने किसी प्रकार का बैटरी वगैरह दोस्तों कनेक्ट नहीं किया हुआ है और सीधे दोस्तों मैंने इस शुकैम कंपनी के 250 वाट जो मेरा इन्वर्टर है इस पर दोस्तों मैंने जोड़ दिया है और एसी करंट दोस्तों इस इन्वर्टर के माध्यम से जो है अब बन रहा है। और अब दोस्तों मेरे पास एक यह बोर्ड है तो दोस्तों मैं आपको बोर्ड पर जो है पावर जो है तो चालू करके दिखाता हूँ और साथ साथ दोस्तों आप इससे क्या कर, मतलब कि 100 वाट का जो दोस्तों आपको सोलर पैनल है और 250 वाट का आपका यह जो इन्वर्टर है उससे दोस्तों आप क्या क्या लोड दे सकते हैं डायरेक्ट बिना बैटरी के भी। तो दोस्तों इसका उपयोग आप दिन में केवल कर सकते हैं और रात में दोस्तों यदि आपको उपयोग करना है तो आपको बैटरी चार्ज करना पड़ेगा। तो दोस्तों यह एक छोटा सा जानकारी के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि आप दोस्तों बिना बैटरी के भी डायरेक्ट जो है केवल सोलर पैनल और इन्वर्टर को जोड़कर ही एसी करंट दोस्तों आप बना सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये सेटअप बॉक्स जो है ऑन हो चुका है और दोस्तों आप यह एक सेटअप बॉक्स जो है 100 वाट सोलर पैनल और 250 वाट इन्वर्टर का उपयोग करके दोस्तों आप डायरेक्ट बिना बैटरी जोड़े हुए दोस्तों आप मोबाइल चार्ज भी कर पाएंगे और साथ साथ दोस्तों यह रिसीवर भी चालू कर पाएंगे। और दोस्तों आप एक एलईडी टीवी भी जो है करीब दोस्तों 22 से 24 इंच तक का जो है तो आप दोस्तों लोड दे सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको इसे भी चालू करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह जो है 24 इंच का एलईडी टीवी और दोस्तों यह भी ऑन हो जाता है आपका केवल 100 वाट और 250 वाट के इन्वर्टर से डायरेक्ट बिना बैटरी लगाए। तो दोस्तों अब मैं आपको जो है इनके अलावा एक साथ आपको मोबाइल चार्ज करके भी दिखा देता हूँ, मतलब कि दोस्तों आप यह जो रिसीवर है तो रिसीवर भी दोस्तों आप चालू कर सकते हैं और साथ साथ दोस्तों आप मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको जो है मोबाइल चार्ज करके भी दिखा देता हूं। इसका मतलब दोस्तों यह है कि आप लगभग 100 वाट और 150 वाट का यदि दोस्तों पैनल उपयोग करते हैं और 250 वाट का इन्वर्टर उपयोग करते हैं तो दोस्तों आप बिना बैटरी लगाए भी अपना एलईडी टीवी सेटअप बॉक्स और साथ साथ दोस्तों मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और साथ साथ दोस्तों एक बल्ब भी जो है 9 वाट का आप जला सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल भी जो है तो चार्ज हो रहा है
तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, मुझे यह बताना था कि आप बिना बैटरी लगाए भी डायरेक्ट सोलर पैनल को इन्वर्टर से जोड़ के और दोस्तों आप एसी जो है एसी करंट बना सकते हैं। और दोस्तों आप एलईडी टीवी और साथ साथ एक सेटअप बॉक्स और दोस्तों मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और साथ साथ एक बल्ब भी दोस्तों आप उपयोग कर सकते हैं केवल दिन में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और साथ साथ चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों नमस्कार।